नुसरत जहां रूही। नुसरत जहां जब लोकसभा में शपथ ले रही थी तो उनका नाम नुसरत जहां रूही बस बुलाया गया था। लेकिन जब वो शपथ ले रही थी तो उन्होंने अपना नाम नुसरत जहां रूही जैन कह के बुलाया। सुश्री नुसरत जहां रूही शपथ लेगी। अस्सलाम वालेकुम, नमस्कार। आमी नुसरत जहां रूही जैन लोकसभा सदस्य निर्वाचित हुईया ईश्वर नामे शपथ करितेछि जे आमी विधि द्वारा प्रतिष्ठित भारतीय संविधान प्रति। मीडिया द्वारा एक फेक नैरेटिव चला जा रहा है और इसमें टीएमसी का कुल मिला के प्रचार किया जा रहा है। ममता बनर्जी को प्रधानमंत्री पद का उम्मीदवार 2024 का बनाया जाएगा, जिसके लिए टीएमसी की पब्लिसिटी कर रही है नुसरत जहां। बाकी कोई लड़का हुआ कि नहीं हुआ, जैन कौन है क्या है, उससे फ़र्क नहीं पड़ता। लोकसभा के मंच पर उनका नाम नुसरत जहां रूही बुलाया गया था। हाँ, उन्होंने शपथ ली थी नुसरत जहां रूही जैन के नाम से, लेकिन इसमें कोई ज़्यादा पैनिक होने की आवश्यकता नहीं है।